जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको नए धाम पर लेकर चल रहे हैं। मोखरा साध्वी जी ने मोखरा से बदलकर सोरखी धाम लिया, सोरखी धाम के बाद आसोदा, आसोदा के बाद अब वो भिवानी में भवानी खेड़ा के अंदर पुर धाम में आपके सभी संकटों के लिए कार्यरत हैं। वो समय समय पर अपना झाड़े का नियम जो बनाती हैं वो आप तक पहुंचाने के लिए हम चैनल पर नई नई वीडियो लाते रहते हैं। आज आपको हम पुर धाम लेकर चल रहे हैं। कैसे साध्वी जी स्वयं अपने आप बता रही हैं कि वो खड़ी तपस्या आरंभ करने वाली हैं, शुरू करने वाली हैं, और खड़ी तपस्या के दौरान झाड़े के जो अलग अलग नियम बनेंगे वो भी आपको बताए जाएंगे। साध्वी जी आपके लिए हमेशा हर परिस्थिति में हाजिर रहती हैं और आपको हर प्रकार के संकटों से उबारने के लिए, आपके संकटों की, समस्याओं की हर प्रकार से कटौती करने के लिए वो अपना झाड़ा किस दिन लगाएंगी, क्या समय रहेगा, सुबह 9 से 12 तक किस चीज का झाड़ा लगेगा और दोपहर बाद 12 से 3 बजे तक किस चीज का झाड़ा लगेगा, आप सभी के लिए ये जानकारी हम समय समय पर उपलब्ध कराते रहते हैं। तो जो भी भक्तजन दूर से आते हैं उन सभी को ज्यादा कष्ट तकलीफ ना हो और वो उसी दिन उस झाड़े के लिए पहुंचे, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। तो आज हम आपको साध्वी जी के पास लेकर चल रहे हैं। आदेश जी, आदेश, ये आपकी तपस्या शुरू हो रही है जी कल से, अभी आप बता रहे हो कि लंबे समय तक चलेगी, तो क्या उस दौरान झाड़े लगेंगे? हाँ जी, उस दौरान खड़े होके मैं जो झाड़ा लगाऊंगी, खड़ी तपस्या है जो मेरी, उसमें खड़े होके मैं झाड़ा भी लगा दूंगी, जैसे भी काम है। पर कल दारू की गद्दी जो है, उस दारू की गद्दी को होने के बाद मैं तपस्या शुरू करूंगी रविवार से, यानी कि कल से। कल से? हाँ जी, 14 अगस्त 2022 कल से मेरी खड़ी तपस्या शुरू हो रही है। अच्छा जी, तो कोई भी आना चाहे तो टाइम क्या रहेगा? खड़ी तपस्या का टाइम है 3:15 से 6:15 तक मैं एक जगह खड़ी रहूंगी, और ये बाबा के आदेश अनुसार है भाई कितने दिन तक चलती है, और उसके बाद मिट्टी की होगी, उसके बाद फिर जलधारा तपस्या होगी। क्या झाड़े का टाइम चेंज होगा या नहीं? झाड़े का जैसे है वैसे ही रहेगा, झाड़े का कोई टाइम चेंज नहीं होगा, झाड़े यूं ही लगेंगे जैसे लगते आ रहे हैं। अच्छा, तो तपस्या के दौरान भी झाड़े लगेंगे? हाँ जी। अच्छा, विशेष तरह के झाड़े लगेंगे? हाँ जी। ओके, और बल्कि जो तपस्या में झाड़े लगवाएगा ना, उसके तो और भी जल्दी आराम होगा, क्योंकि उस टाइम तब पूरा एक संयोजित तरीके से इकट्ठा होके रहता है भगत के अंदर, और उस टाइम जो झाड़ा लगवाएगा उसके और भी जल्दी आराम होगा। मान ले तपस्या के टाइम ही पहुंच जाए, अपने टाइमिंग है 7 दिन की तपस्या, समझो कि 7 ही दिन एक तप को संयोजित करके रखना पड़ता है हमें, उस 7 दिन के दौरान जो झाड़े लगवाएंगे उन सबके आराम बाबा की दया से और अच्छा होगा। आज आप जो तपस्या कर रहे हो ये क्यों जरूरी है जी? तपस्या ये इसलिए जरूरी है कि जो हम झाड़े लगाते हैं उन सभी का भार हमारे ऊपर पड़ता है, तो उसको मतलब कि उसका भार हमारे ऊपर से कुछ कम हो, इसके लिए सभी भगत जो भी हैं जो झाड़ा लगाते हैं, भला करते हैं दूसरे का, उनको ये तपस्या करनी जरूरी होती है। एक रीजन और है, एक कारण और है, ये है कि तपस्या करने का मतलब है कि अपने अंदर तप को इकट्ठा करना, जिससे कि और अच्छी तरीके से झाड़े लगे, और तप बढ़ेगा तभी दुनिया का भला और अच्छी तरीके से होगा। तो तप को भी बढ़ाना एक तरीका है, और दुनिया का भार अपने ऊपर से उतारना वो भी एक तरीका है, दोनों काम हो जाते हैं तप करने से।